गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं अनिकेत सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम काफ़ी दिन बाद भी मिल रहे हैं और एक नया सब्जेक्ट ही शुरू करने वाले हैं, साथ साथ क्रिमिनल लॉ भी हमारा चलता रहेगा। तो आज का हमारा सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको आने वाली क्लासेस में दूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत छोटी सी चीज़ पे डिस्कशन करना चाहेंगे आज, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधानवाद। हम सब जानते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ रूल बुक, एक रूल बुक हो सकती है किसी भी कंट्री की, जिसमें वहाँ के जितने भी क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या क्या वहाँ के रेगुलेशंस होते हैं, कैसे वहाँ का लीगल सिस्टम वर्क करना है, उसके बारे में जो हमें बताता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत ही जनरल सा, बहुत ही लेमन टाइप का आंसर है ये। तो इसको बस आप एक जहन में रखिए कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज़ अ रूल बुक, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ अ लीगल सिस्टम, ठीक है। तो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जब किसी वर्ड के आगे ISM इज़म लग जाता है तो दैट मीन्स इट इज़ एन आइडियोलॉजी। तो ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आगे, कॉन्स्टिट्यूशनल के आगे इज़म लग गया, तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिस चीज़ पे बेस करके बनाया गया है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है, तो वो आइडियोलॉजी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में जो हमारे बहुत सारे हमारे फिलोसोफर्स थे, जैसे कि लॉक, ग्रोशियस, रूसो, उन सब ने अपनी अपनी राइटिंग से एक आइडिया दिया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन दो डिफरेंट चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो इनका डिस्टिंक्शन आया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का और कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो मेन डिफरेंस इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सिर्फ ड्यूटीज़ और पावर्स थोपता है, कन्फर करता है, देता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट कन्फर्स द पावर्स ऑन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। वहीं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, इट इज़ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, जहाँ तरफ एक तरफ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पावर कन्फर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या कर रहा है हमारा, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कर रहा है, उस पावर को लिमिट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में हमने क्या सीखा, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच कन्फर्स द पावर ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। वेयर एज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट इज़ द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, इट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। ये आइडियोलॉजी है किस चीज़ की, एक लिमिटेड गवर्नमेंट की, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। किसका रिस्ट्रिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ का, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का ही रिस्ट्रिक्शन है। तो इन शॉर्ट क्या बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर कन्फर करता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिससे पता लगता है कि गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, अब होता क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अनरिस्ट्रेंड पावर दे देता है तो उससे क्या होता है, हम जैसा कि जानते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि नहीं, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं होगा कि प्रीएम्बल में लिखा है कि वी हैव द आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नहीं। हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करने के बाद पता लगेगा कि उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसमें आर्टिकल्स कैसे कैसे हैं, कि क्या सच में गवर्नमेंट में को, अगर गवर्नमेंट को पावर दी गई है तो क्या इसको हमें रोकथाम भी करी जा रही है, इसके ऊपर रोकथाम है, इस पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है। फॉर एग्जांपल इंडिया में लेते हैं, इंडिया में लेजिस्लेचर के पास बहुत वास्ट पावर है, हालांकि लेजिस्लेचर की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है। कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द पावर ऑन आर लेजिस्लेचर, दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इन स्टेट्स दैट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। तो अब हमें कैसे पता लगा कि वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो हाँ, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आइडियोलॉजी है। कैसे पता लगता है, वी हैव
आर्टिकल 32 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13। तो इससे क्या पता लगता है कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, फंडामेंटल राइट्स, ये सब गवर्नमेंट के पावर को रिस्ट्रेन करते हैं, ये सब गवर्नमेंट के पावर को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? इट इज़ एन आइडियोलॉजी ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसमें अपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।